नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हमारे पास है स्कोडा कुशाकी मोंटे कार्लो एडिशन। थैंकफुली इट इज़ नॉट इन रेड, इट इज़ इन वाइट। और प्राइस डिफरेंस जो है ये 70,000 रखा गया है, स्टाइल वेरिएंट के इक्विवेलेंट जो गाड़ी है कुशाक मोंटे कार्लो 70,000 एक्सपेंसिव है उससे। वेरिएंट टू वेरिएंट 1.0 MT 80 और 1.5 MT और 80 में आपको मिलेगी। 1.0 में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा और 1.5 में आपको DSG 7 स्पीड मिलेगा। जो कुछ डिफरेंसेस रखे गए हैं इसके स्टाइल वेरिएंट के इक्विवेलेंट जो गाड़ी है उससे, एक तो आपको रूफ़ है वो कार्बन स्टील पेंटेड रूफ़ मिलेगी। इंटीरियर्स अभी देखते हैं, वैसे थोड़ा सा मुझे ब्राइट लग रहा है रेड कलर ये वाला। 8 इंच का आपको कॉकपिट मिल जाएगा डिजिटल। एलॉय का डिज़ाइन जो है इसका थोड़ा सा ऑक्टाविया जैसा किया गया है, मोंटे कार्लो की बैजिंग और साथ में ब्लैक ORVMs। एंड इन पर्सन यू कैन सी द कार। एंड आई हैव टू से इट्स लुकिंग वेरी क्लासी। थोड़ी थोड़ी मुझे इसकी याद आ रही है लेजेंड कैरॉक, द परफेक्ट कार इन ऑल सेंसेस। दिस लुक्स रियली नाइस इन पर्सन मोंटे कार्लो। और मुझे रेड से तो पर्सनली जो है ना ये काफ़ी अच्छी लग रही है, सॉबर लग रही है वाइट। और जैसे आप देख सकते हैं रेड कैलिपर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, इट स्टैंड्स आउट। और टायर का साइज़ जो है वो 17 इंचेस का है, बट टायर C8 के हैं। साइज़ जो है वो T205/55R17, तो 17 इंच का आपको अलॉय मिल जाएगा। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जिसका नाम है अलॉय का पर्टिकुलरली वो है डुअल टोन वेगा अलॉय व्हील्स विद रेड कैलिपर्स, तो इसका नाम वेगा अलॉय व्हील्स है। और 70,000 में बेसिकली जो किया गया है ये हर चीज़ आपको ब्लैकिंग की गई है, एक आपको डिजिटल कॉकपिट दिया गया है, ब्रांडिंग दी गई है, सीट्स को रेड किया गया है, इंटीरियर को चेंज किया गया है। इन माई हम्बल ओपिनियन इट शुड बी अराउंड 30,000, नॉट मोर देन दैट। और ये देखिए ब्लैकन किया गया है कुशाक को, और ये जो क्रोम की स्ट्रिप रहती थी ये भी ब्लैकन है, लेकिन ग्लॉसी ब्लैक है ये पियानो फिनिश। और ये जो देखिए आप नीचे बम्पर ट्रीटमेंट भी सारा ब्लैक, और ये डिफ्यूज़र काइंड ऑफ जो है ये भी ब्लैक है। डेप्थ काफ़ी अच्छी है कुशाक की। और अगर आप नीचे देखें तो हीट इंसुलेशन ये 1.5 है, इसलिए डुअल एग्जॉस्ट है। दिस लुक्स नाइस इन पर्सन। अगर टेल लैम्प्स थोड़े से ब्लैकन कर देते जैसे वर्टिस में हम देख के आए हैं तो इट वुड हैव बीन गुड। और स्कोडा भी देखिए आप ब्लैकन किया गया है, और इसको भी अगर एरो ट्विन बनाते तो और अच्छा लगता। बाकी ये ब्रेक लाइट और वॉशर वाइपर डिफॉगर, और इस एंगल से बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी, बहुत ही एक टाइटली स्क्रूड स्कोडा कुशाक। और क्रीजेस देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं लाइट्स के कारण, अदरवाइज़ भी अच्छी लगती है। ये देखिए ये गया कितना सुंदर तरीके से इसमें जाके जलप हो गया यहाँ पे ब्रांडिंग में। और क्लैडिंग्स आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल सारी कवर्ड हैं, बहुत नीटली टक्ड इन है सब कुछ, जिसके कारण एक बहुत प्रीमियम फील आती है। और ये स्कोडा की क्रिस्टल लाइट्स, LED सेटअप आपको मिलेगा। और फ्रंट ग्रिल बहुत सुंदर लग रही है, और इसमें मैं बोलूँगा कि अगेन कैरॉक की मुझे याद आ रही है देख के। और नीचे से अगेन इसको पियानो फिनिश में दिया गया है, ये एरिया भी जो क्रोम में था पियानो फिनिश में दिया गया है, हालांकि प्लास्टिक होने के कारण इस पर स्पॉल मार्क्स जल्दी आने के चांसेस हैं। ये एंगल से देखिए कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी। और अगेन मैं बोलूँगा कि ये भी हल्के फुल्के ब्लैकन हो सकते थे, बट वो इट्स जस्ट लाइक हमारी कंप्लेंट करने की आदत है थोड़ी सी। ORVMs आपको ब्लैक मिल जाएंगे, और ये वही हल्के हल्के मैं कण देख पा रहा हूँ मेटालिक जो अभी वर्टिस में देखे हैं, उसमें पडल लैम्प नहीं मिलेगा आपको, ये देना चाहिए।
ये वेरिएंट जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन है 1.5 मोंटे कार्लो का। इंजन देख लेते हैं, एल्युमिनियम पेडल्स, इसकी बात मैं बात करता हूँ अंदर की। और इसका प्राइस आई बिलीव 17.89 है मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 का। तो ये देखिए कितने अच्छे से 1.5 की लेआउट, फोर सिलेंडर टर्बो इंजन, 250 Nm का टॉर्क, 150 bhp। और ये इंसुलेशन है सारी रबर, ये आप देख सकते हैं। और इसमें इंसुलेशन मिस्ट है, ये देनी चाहिए फॉक्सवैगन को। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इंजन आपके रिफाइंड है कुछ भी, इट डजंट लुक गुड। और अंडर बॉडी प्रोटेक्शन इसमें नहीं है, मोंटे कार्लो में भी दे सकते थे, ये आप रफ रोड पैकेज एक्सेसरी के तहत भी दे सकते हैं, कस्टमर्स डेफिनेटली वुड बाय इट। और इंजन ये बहुत अच्छा है, अगर आपका बजट 20 के ऊपर है या अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन भी लेना चाहते हो, 20 तक भी आपका बजट है, बोनट का साइज़ ठीक ठाक, पेंट बहुत अच्छा, तो आपको 1.5 ही लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही कंप्लीट इंजन है फोर सिलेंडर होने के कारण, एक रिफाइंड इंजन मैं बोल सकता हूँ। और ये अभी थोड़ा सा अंदर की बात कर लें, अभी मैं वर्टिस देख के आ रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, बट उसमें जो रेड एक्सेंट्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े डार्क हैं, जो कि मुझे क्लासी लगे ज़्यादा। अगर इसमें भी यही यूज़ करेंगे तो इट लुक मच बेटर। और सीट्स को आप पूरा ब्लैक कर दें, सिर्फ स्टिचिंग को रेड कर दें, तो ये गाड़ी और ज़्यादा उठ के आएगी। बाकी सनरूफ इसमें आपको मिल जाएगी, पैनारोमिक नहीं मिलेगी। और ये डमी सनग्लास होल्डर है, इसमें जैक हॉलिस ने बताया कि ये इसमें नहीं इंटीग्रेट हो सकता। और रूफ़ मटेरियल अभी वही दे रहे हैं जो स्कोडा स्लाविया में हमें दिखता है, नेट। ये अगर मैं पास आके दिखाऊँ, ये देखिए नेट पैटर्न है अभी इसका, पहले थोड़ा सा पोलो टाइप था, वूल जैसे मिक्स हुई होती है, अभी नेट लग के। ये देखिए मैं और पास है, ये देखिए आप, और इंटीरियर आप देख सकते हैं इन पर्सन, इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड जैसे मैंने पिक्स में देखा था। तो एक बहुत ही यूथफुल इंटीरियर है, अगर कोई 25 एज तक यूज़र्स हैं इसके, दे डेफिनेटली कैन कैरी इट विद स्टाइल। ग्रैब हैंडल्स बहुत अच्छे हैं, चारों पावर विंडोज़, ये पीछे के कंट्रोल्स, ये आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डोर पॉकेट्स, ये बहुत अच्छा टच है इनका, कुछ रखने के लिए दस्तावेज़ वगैरह। स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे इसमें, आपको स्कोडा की ब्रांडिंग वाले स्पीकर्स मिलेंगे जिसका नाम है स्कोडा साउंड। उधर ये देखिए आप स्कोडा साउंड, तो इसमें भी आई थिंक 8 स्पीकर्स आपको मिलेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन। और अंदर जाके देखते हैं दोस्तों, सीट पीछे कर लेता हूँ, थर्ड देखिए आप, ये देखिए इसमें 1, 2, and 3, टू गुड, वेरी रीअश्योरिंग। टिकट होल्डर, यहाँ पे आप अपना कुछ जो आइडल वगैरह है वो लगा सकते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एसी वेंट्स, जिसको आप अगर ये देखिए लेफ़्ट राइट, अगर राइट पे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा और अगर लेफ़्ट में करेंगे तो ऑन रहेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में एक क्लिक साउंड आती है, और अभी ऑफ है, अभी ये ऑन है, तो इट्स नाइस। हल्का सा इधर टच दिया गया है सिल्वर एक्सेंट्स का। और ये क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। गाड़ी की 8-inch स्क्रीन देखते हैं कैसी है, इसकी बैटरी कम है, की नॉट डिटेक्टेड, अरे यार डैम इट, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रेड है, क्योंकि सारी गाड़ी में एक रेड थीम इस्तेमाल की गई है, इट्स ऑल्सो फाइन। इन पर्सन इंटीरियर मुझे बहुत एक स्लीक, मैं बोल सकता हूँ स्लीक लगता है काफ़ी, इट लुक्स नाइस। टच कंट्रोल्स आपको मिलेंगे जैसे स्कोडा स्लाविया में भी आए हैं इसके बाद, तो इट्स नाइस टच, आदत पड़ जाती है ड्राइवर को, हालांकि एक नए ड्राइवर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी ये आइडलिंग स्विच हो गया, ये वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, ये गाड़ी लॉक अनलॉक हो गया, ये आपके पार्किंग लाइट्स हो गई, ये पैसेंजर साइड की सीट्स जो हैं वो आप वेंटिलेटेड अगर ऑन ऑफ करनी है तो कर सकते हैं।
स्टीयरिंग फील बहुत अच्छी है, स्टिचिंग इसकी मुझे जी स्टिचिंग रेड है इसकी, तो इट्स अ नाइस टच। इधर से जो है कंट्रोल्स आपके सारे स्क्रीन के रहेंगे, इधर जो है आपके म्यूज़िक के या इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स रहेंगे, और ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर है और ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं इसमें, और फॉग लैम्प्स भी हैं, आप पुल आउट करेंगे तो फॉग लैम्प्स ऑन हो जाएंगे ऑटो में। इसका मतलब है कि आपको हर वक्त आप ऑटो में रखेंगे तो इवनिंग में अपने आप लाइट्स ऑन हो जाया करेंगी। ये आप रेड स्टिचिंग देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ऐसे टचेज़ हैं जो सुंदर लग रहे हैं, कुछ टचेज़ जो हैं थोड़े से मिस हैं, जैसे ये सीट मैं बोलूँगा कि ये ज़रूरत ही नहीं थी, ये पूरी सीट ब्लैक अगर होगी तो गाड़ी और अच्छी लगेगी, और एक टोन इसकी डार्क होगी तो गाड़ी और अच्छी लगेगी। ये स्कॉडा की बैजिंग सुंदर लग रही है, क्रोम हैंडल्स, वॉक्सवैगन में आपको ब्रश्ड क्रोम जो है वो मिलेंगे। ये राजेश जी आ गए हैं, इनसे ही मेरी फ़ोन पे बात होती है जब मैंने आना होता है स्कॉडा में, वेरी नाइस पर्सन। और स्पेस में कोई कमी नहीं है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, बकेट सीट्स जैसे होती हैं स्कॉडा की, एक कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है। बोनेट देखिए आपको कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, एक बोनेट दिखना जो है एक SUV में एक अच्छी फील आती है, एक अगेन बोलूँगा कमांडिंग एक फील आती है गाड़ी चलाने में। और पैडल्स जो हैं मैनुअल में, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोंटे कार्लो में आपको मेटल के मिल रहे हैं, अल्मीनियम, और ये आई बिलीव फ्यूज़ बॉक्स है, ये स्टोरेज बॉक्स नहीं है, हेडलाइट लेवलर। और हिंजेस देखिए आप कितनी मोटी हैं, रबर बीडिंग, और इधर भी देखिए कितने अच्छे से रबर बीडिंग, ये सारी प्लास्टिक की है, ये इंसुलेशन दी गई है, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। और ये देखिए रबर बीडिंग देखिए बहुत सुंदर लग रही है, इन द सेंस के फिट एंड फिनिश इंसुलेशन में हेल्प करती है, क्योंकि जब ये वाली रबर बीडिंग या ये प्लास्टिक है, आई थिंक ये मेटल है, जब इससे लगती है तो ऑब्वियसली एक थर्ड भी अच्छा आया था उसके कारण, और इंसुलेशन अच्छी होने के कारण NVH लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ये स्कफ प्लेट्स आपको मिल जाएंगी मोंटे कार्लो, तो इट्स अ नाइस टच, इट हैज़ टू बी देयर, इतने पैसे आप दे रहे हो 70,000। अब नट्स देखिए ब्लैकन किए गए हैं ताकि ऑड आउट ना लगे, ये इंजन बे खोलने का बटन, ये देखिए थर्ड, टू गुड। टॉप वेरिएंट्स में मैंने देखा है कि क्वालिटी का एक एच रहता है, इसमें भी वैसा ही है। तो ये डोर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक एंड रेड स्टिचिंग, बैकलिट हैं ये बटन सारे, क्रोम का हैंडल, और वन टच अप डाउन सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलेगा। और ये कुछ इस प्रकार से अगेन रेड थीम पीछे भी कैरी की गई है, सारे ब्लैक इंटीरियर्स, कप होल्डर्स, 60-40 सीट, जी 60-40 हैं। और इधर से भी अगर एक्सेस करने की फैसिलिटी होती तो और अच्छा रहता, आई होप आई एम नॉट नेटपिकिंग। ये आपका पीछे के AC वेंट्स, दो सी टाइप, और मैं वहाँ पे आपको बताना भूल गया, वहाँ पे भी दो सी टाइप आपको मिल जाएंगे आगे। 10-inch स्क्रीन बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी क्लैरिटी है, रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी अबव एवरेज है। आपको जो स्पीकर्स हैं वो 9 मिलेंगे, आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को बिना वायर के साथ अटैच कर सकते हैं वायरलेस तरीके से। और जो वो आप नीचे देख रहे हैं जहाँ पे चार्जिंग है, वहाँ पे आप अपना फ़ोन वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हो। और इसके अलावा वॉलेट मोड है इसमें गाड़ी में, वो आपको स्लाविया में भी मिलता है जो मिडल वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है। और अभी आप इंटीरियर जो है ये देख सकते हैं, ये सनरूफ काफ़ी अच्छी लग रही है, सीट्स तक इसकी सनरूफ की लेंथ है, एंकर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे आइसोफिक्स माउंट्स के दोनों तरफ, जी दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे। और सीट बेल्ट, जी तीनों सीट बेल्ट्स हैं, 3-pin सीट बेल्ट्स। रबर बीडिंग देखिए आप, ये काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर टू स्लाविया, तो इसकी प्राइस भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि जो
रिजिडिटी होती है सी पिलर में, वो सेडान से थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है एसयूवीज में। नाइस थर्ड, नाइस डिज़ाइन ऑफ अलॉयज, नो कॉस्ट कटिंग इन द व्हील क्लैडिंग एरिया। मोस्टली आप देखेंगे गाड़ियों में यहाँ पे व्हील क्लैडिंग कॉस्ट कटिंग की गई होती है। ये रिफ्लेक्टर लाइट्स ये आपको जी वहाँ पे भी मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी, और इधर से ये स्टार्ट हो रही है सारी बीडिंग। ब्लैक नट्स, ये अच्छी टच है क्योंकि अगर सिल्वर कलर के होंगे तो दे लुक लिटिल चीप। और ये चाइल्ड लॉक का बटन, अगर आप लेफ़्ट में करेंगे तो चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा, अंदर से गाड़ी फिर नहीं खुल सकेगी। स्कोडा वॉक्सवैगन का कहना है कि ये बटन नहीं देते अंदर ताकि एक्सीडेंट के केस में जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर आ सकें आसानी से। किसी गाड़ी में भी आपको इंटरनल लॉकिंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगी। रिवर्स कैमरा, ये अगर आपको लगे कि थोड़ा डर्टी हो गया तो माइक्रोफाइबर के साथ आप साफ़ कर लें। और स्कोडा की ब्रांडिंग बहुत सुंदर लग रही है ब्लैक में। डोर का वज़न ठीक ठाक, टॉप वेरिएंट है तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक नॉच बेटर है क्वालिटी। और ये थोड़ा सा प्लेन जेन आपको इसका क्लैडिंग मिलेगी, इधर से खींच के आप बंद कर सकते हो। ये लॉक लैच है प्लास्टिक की और ये ब्लैक किया गया है ताकि ऑड आउट ना लगे। ये मुझे छोटे छोटे टचेस बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए पेच ब्लैक कलर के, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ब्रांड्स चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट स्कोडा फॉक्सवैगन इस चीज़ में अच्छे हैं कि कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। ये हिंजिस की क्वालिटी भी अच्छी है, थिक हैं ये देख सकते हैं आप। बाकी इसमें लाइट 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 कहाँ है भाई जी, इधर लाइट है। जब गाड़ी आप ऑन करेंगे तो आपको लाइट बूट एरिया में मिल जाएगी। ये मुझे बूट लग रहा है 400 लीटर्स के नीचे ही है। 60-40 सीट्स और सब वूफर देखते हैं इसका। ये आपको साथ में टूल किट है, ये इसके साथ ही चिपकी हुई है। टूल किट हो गई, ये ट्रायंगल हो गया आई बिलीव, जो सेफ्टी ट्रायंगल। अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो तो ये देखिए सब वूफर आपको मिल जाएगा। और स्पेयर टायर गुडियर का है, 205/55R16। ये थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की हो सकती थी। ये देखिए ये थोड़ी फ्लिमजी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, बट अभी कुछ चीज़ें 2.0 में वेट कम रखने के लिए ये कर रहे हैं, बट ये बेहतर हो सकता है डेफिनेटली। इट डजंट लुक लाइक इट बिलोंग्स टू अ 20 लाख रुपी कार। फर्स्ट एड किट, ये टो हुक्स दी गई हैं कुछ, और ये हुक्स दी गई हैं कुछ, ये इधर भी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि 3 kg तक आप सामान जो है रख सकते हैं। ये पार्सल ट्रे लाइट वेट, तो इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। तो 3 आपको मिल जाएंगे सेंसर्स पीछे, आगे सेंसर्स नहीं मिलेंगे। तो बताइए दोस्तों आप क्या सोचते हो गाड़ी के बारे में। ऊपर से देखने में लग रहा है जैसे पैनारोमिक सनरूफ है, दे दो यार आप पैनारोमिक सनरूफ, इसमें 500-600 सेल और बढ़ जाएगी, क्यों दोस्तों नहीं। तो मुझे बहुत सुंदर लगी गाड़ी, अगर मुझे इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर इट ओवर स्टाइल वेरिएंट। साइड से भी आप देख सकते हैं 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, 4200 mm के ऊपर का है साइज़, एग्जैक्ट साइज़ आई एम सॉरी, मैं नीचे देखता हूँ कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, बट 4 मीटर से ऊपर ये गाड़ी है, जिसका मतलब है कि टैक्स इनको पूरा देना पड़ता है, 28% GST और 22% सेस। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्या सोचते हैं आप इस गाड़ी में, आप अपने कमेंट्स नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ऑनेस्टली करने का प्रयास करूंगा। बाकी आप मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com, उस पर विज़िट कीजिए, रिव्यूज़ देखिए, रिव्यू करिए, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स।